बस्तर वाली मैं हरानी और राजा रे, रायगढ़ वाला तें हरा जा रे। सुन सुन मोर मया पीरा के संगवारी रे, आ जाने नाती आ जा रे। उनसे मिली नजर की मेरे होश उड़ गए। जो भी है, सबका प्यार है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मेरे घर वालों का आशीर्वाद है, जो भी कुछ है। का गहना तैला बेगा ते मोला बता देना, आ संगी माया के मौसम आए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती बेनिया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आरजे न्यूज़ में। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ी गीतों को अपने सुरों से संवारा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से कंचन जोशी की, जो इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। कंचन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरजे न्यूज़ में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कंचन जी, मैंने आपके सारे गाने सुने हैं, काफ़ी प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर आवाज़ में छत्तीसगढ़ी गीतों को आपने संवारा है। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि जब आप सिंगिंग कैरियर में, जब आपका पहला कदम रखा आपने, कैसा महसूस किया आपने, कहाँ से आपने शुरुआत किस की? देखिए, शुरुआत तो मैंने जब मैं सेकेंड ईयर में थी तब से मेरी सिंगिंग की शुरुआत हुई थी। गाती बचपन से थी, बट कभी ऐसा था नहीं कि मैं गाऊँगी, मतलब मैं इस प्रोफेशन में जाऊँगी। मैं, मतलब मेरा ऐसा था कि मैं पढ़ाई करूंगी, डिग्री होगी मेरे पास, एक अच्छी सी नौकरी करूंगी, सिंग, मतलब इस लाइन में जाने का मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। परिवर्तन ऐसे हुए कि दादा से मुलाकात हुई मेरे, जिनके ग्रुप में मैं गाती हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया, उनके ग्रुप में मैं गाई, तब मेरा इंटरेस्ट इस लाइन की तरफ बढ़ा। तो कंचन जी, अब मैं जानना चाहूँगी कि वो पहला ऐसा कौन सा गाना था, पहला ऐसा कौन सा एल्बम था जिसे लोगों का प्यार आपको सबसे ज़्यादा मिला? अगर बोला जाए तो रायगढ़ राजा से मेरी पहचान हुई है जी। और ऐसे बोले कि पहला एल्बम कौन सा था, तो मैंने बहुत पहले, करीबन 3 साल पहले, विवेक शर्मा जी के साथ गाई थी तय शादी करे बर करबे भोला जी। तो मैं चाहूँगी कि जिस, जो आपका पहला एल्बम था और जिस गाने से आप इतनी ज़्यादा हिट हुई हैं, मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप कुछ लाइनें गुनगुना कर बताइए। बिल्कुल। अरे डिम्पल पड़ते हैं मुर्गाल माँ, आना चा देना कर्मा के ताल माँ, जवारा रे बस्तर वाली मैं हरानी और राजा रे, रायगढ़ वाला तें हरा जा रे। जी, बहुत ही सुंदर आपने गाना गाया। मैं चाहूंगी कि आपका जो पहला एल्बम था वो भी हमारे दर्शकों को आप गाकर सुनाइए। ते शादी करे बर करे बे भोला, ते शादी करे बर करे बे भोला, शादी करे बर करे बे कागा, का गहना तैला बेगा ते मोला बता देना, का गहना तैला बेगा ते मोला बता देना। जी, बहुत ही सुंदर कंचन जी, काफ़ी अच्छा आप सच में गाती हैं। मैंने तो सिर्फ एल्बम में सुना था, आज आपको लाइव देखा, बहुत अच्छा लगा। अब मैं कंचन जी ये जानना चाहूँगी आपसे कि जब आप सिंगिंग कैरियर में, जब अपने पहला कदम आपने रखा, मैं जानना चाहूँगी कि आपके फ्रेंड्स लोगों के बीच में आपका क्या इमेजिनेशन रहा, कैसे लोगों ने आपको प्यार दिया, कैसे फैमिली का आपको सपोर्ट मिला? फैमिली तो पहले पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे कॉल आया वहाँ से, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं गई। और मोहल्ले में भी बहुत सारी बातें होती थी कि ये घर में नहीं रहती है, घूमते रहती है, मतलब अगर कोई लड़की है, बड़ी है, वो घर में नहीं है, तो मतलब लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो फिर अभी, मतलब हाल ही की बात बता रही हूँ मैं, कल मोहल्ले में जो होता नहीं, मतलब 4 लोग बैठ के बात करते हैं, तो उनमें ये बात हो रही थी कि मतलब पहले गलत बोलते थे, लेकिन अब वो बात कर रहे थे कि नहीं, ये लड़की कुछ करेगी, मतलब उनको अच्छा लग रहा था वो चीज़। मुझे आज ही पता चली, मतलब मेरी दीदी बताई कि मोहल्ले में ऐसा ऐसा बात हो रहा था, मुझे खुशी हुई। तो अब कंचन जी, अब मैं जानना चाहूँगी कि आप छत्तीसगढ़ ही गाने ही गाती हैं या फिर कुछ और अदर सॉन्ग्स भी आप गाती हैं?
अभी तक मैंने छत्तीसगढ़ ही एल्बम की हूँ। अगर शोज की बात करें तो मैं पहले हिंदी से ही शुरुआत की हूँ जी। मैं जानना चाहूँगी कि जब आप हिंदी गाने की शुरुआत की तो वो पहला हिंदी गाना कौन सा था, आप हमारे दर्शकों को वो भी कुछ लाइनें गाकर सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फर्स्ट टाइम जब स्टेज में गई थी तो एक्चुअली मैं उस टाइम मतलब छोटी थी और वो गाना मुझे दादा ज़्यादा प्रेफर करते थे, उनसे मिली नज़र मतलब मेरे हाव भाव को देख के, तो उन्होंने पहला गाना मुझे वही दिया था स्टेज में, मैं वो सुनाना चाहूँगी। उनसे मिली नज़र कि मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नज़र कि मेरे होश उड़ गए, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नज़र कि मेरे होश उड़ गए। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर मैम। मैम अब मैं जानना चाहूँगी कि जब आप इतने सारे एल्बम शूट्स करती हैं तो फिर क्या आप प्रोग्राम में भी गाने के लिए जाती हैं? मेरी शुरुआत प्रोग्राम से ही हुई थी। अच्छा, हाँ तो मैं जी जी तो आपने प्रोग्राम से ही स्टार्ट किया था गाना। हाँ। तो मैं जानना चाहूँगी कि अब तक आपने कितने एल्बम शूट कर चुकी हैं? अगर शूट की बात कहे तो 5-6 आ चुके हैं और जो आने वाले हैं उनमें मुझे याद नहीं। कंचन जी, अधिकतर ऐसा होता है कि जब हम सक्सेस की ओर बढ़ते रहते हैं तो काफ़ी सारे फेलियर्स भी हमारे हाथ लगते हैं। मैं जानना चाहूँगी जब आप संगीत के फील्ड में आगे बढ़ी, क्या कुछ फेलियर्स आपके हाथ लगे? फिलहाल अभी तो मुझे फेलियर क्या होता है नहीं पता, मतलब अभी तो मैं जस्ट कदम रखी हूँ तो अभी से फेलियर कैसे, ये तो स्ट्रगल टाइम है ना, तो फेलियर का तो अभी तक पता नहीं, बाद में पता नहीं कि क्या होगा। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप अभी तक आपने किन किन लोगों के साथ गाना गाया है, किन किन लोगों के साथ में आपने एल्बम शूट किया है? जी मैंने अभी तक मतलब जो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इनके साथ काम करूँ, वो अनुराग भैया हो, सुनील सोनी जी हो, संजय सुरेला जी हो, मैंने हाल ही में उनके साथ गाने गाए हैं जो कि दर्शकों को बहुत जल्द हो सकता है सुनने को मिले। तो कंचन जी, ऐसा होता है कि एक गाना ऐसा होता है जो हमें जीरो से एकदम हीरो बना देता है, जानना चाहूँगी वो ऐसा पहला कौन सा गाना था जिसने आपको एकदम से जीरो से हीरो बना कर रख दिया? मैं शायद अभी जीरो से हीरो तो नहीं बनी हूँ जो भी है सबका प्यार है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मेरे घर वालों का आशीर्वाद है, जो भी कुछ है थोड़ा बहुत बस। जब आप सिंगिंग कैरियर में आई कंचन जी, तो सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किसका मिला, फैमिली वालों का, फ्रेंड्स का, या किसका आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला? मेरे घर में मुझे कोई पसंद नहीं करते थे कि मैं इस फील्ड में जाऊं, लेकिन जब मैं क्लास जाया करती थी तो मुझे मेरे भैया ले जाते थे, वो लाना ले जाना करते थे। मेरे घर में कोई नहीं चाहते थे कि मैं इस लाइन में जाऊं, लेकिन जब मैं क्लास जाया करती थी तो मुझे मेरे भैया लेके जाते थे, और अगर भैया बिजी होते थे तो बाहर भी मतलब मेरे भैया थे जिन मतलब जो सगे तो नहीं थे लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, जैसे गोपी भैया, सुनील दादा, ये सारे मुझे बहुत सपोर्ट किए। मुझे क्लास लाना ले जाना होता था तो वो करते थे मुझे। तो जैसे कि कंचन जी आपने सिंगिंग के उसमें पहला कदम आपने रखा, तो ऐसा होता है कि हर किसी के सफलता के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, मैं जानना चाहूँगी कि आपकी सफलता के पीछे आखिरकार किसका हाथ है? पर्टिकुलर कोई एक नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ पे जाती हूँ, जिनसे भी मिलती हूँ, सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। हाँ, लेकिन बहुत अगर बोला जाए तो आशु भैया, मेरे दोस्त, मतलब ये मुझे पुश करते हैं कि तू कर। जी बिल्कुल, जैसे कि हर किसी का असर रहता है कि फैमिली सपोर्ट करती है, फ्रेंड सपोर्ट करती है, आपको काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगा ये जानकर। कंचन जी, अब मैं जानना चाहूँगी आपसे कि अभी वर्तमान में आप कौन सा एल्बम शूट कर रही हैं? वर्तमान में हमारा मयारू प्रोडक्शन से एक गाना आने वाला है जो कि नवीन के साथ मैं कर रही हूँ, भाई तुर माथ के बिंदिया, वो बहुत जल्दी दर्शकों को सुनने को मिलेगा।
तो कंचन जी, जैसा कि आपने कहा कि मैं प्रोग्राम में भी आप गाना गाने जाती हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि जब प्रोग्राम्स में गाना गाने जाती है कैसा फील करती हैं, आपको कैसा महसूस होता है वहाँ गाकर, अपना परफॉर्मेंस देकर? और साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि अभी तक आप किन किन स्टेट में गाना गा चुकी हैं? जब मैं प्रोग्राम की शुरुआत की थी तो मतलब ऐसा हुआ था कि मैंने क्लासिकल कहीं से की नहीं थी, तो एक बहुत डर था, लेकिन वो डर काफ़ी समय तक बना रहा। अभी धीरे धीरे जब मैं कंटिन्यू की तो वो चीज़ हट रही है, ये नहीं बोलूँगी पूरी तरीके से हट गई है, हट रही है जी। तो मैं जानना चाहूँगी कंचन जी, क्या अपने फिल्मों में क्या अभी तक आपको गाने का कोई मौका मिला है या नहीं? फिल्मों में अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन लोगों का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद हुआ तो मौका मिलेगा जी। अगर आपको फिल्मों में गाने का मौका मिले तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? खुशी होगी। तो अब मैं जानना चाहूँगी मैम, मेरा ये फेवरेट क्वेश्चन है आपसे कि अधिकतर ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज़ को जब करते हैं तो हम बेसिकली ट्रेनिंग लेते हैं। जानना चाहूँगी कि ये आपकी हॉबी है इसलिए आप करती हैं, या फिर आपको आपने ट्रेनिंग ली उसके बाद आप ये चीज़ कर रही हैं? पहले मेरा शौक था जी, उसके बाद मुझे मौका मिला तो मैंने कंटिन्यू की, अब हॉबी हो गई है जी। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना, मतलब सिर्फ यही करना जी। और इसके लिए मैंने पहले क्लासिकल नहीं सीखा था, मतलब संगीत की शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन जब मैंने स्टार्ट की तो दादा मुझे फोर्स नहीं किए, मतलब वो ज़रूरी है क्योंकि आप शिक्षा लोगे तभी तो आप कुछ बेटर कर सकते हो, तो उसके बाद मैंने फिर सीखना शुरू किया। कंचन जी, अब मैं जानना चाहूँगी क्या कुछ एजुकेशन है अभी आपकी, अभी आप वर्तमान में क्या कर रही हैं, क्या कुछ पढ़ाई कर रही हैं सिंगिंग के साथ, अब और आप क्या कर रही हैं? BCom में ग्रेजुएशन है और लॉकडाउन के समय ही मेरा PGT से कंप्लीट हुआ जी। और म्यूज़िक में 5th ईयर है, डिप्लोमा जी, कमला देवी से। जैसे कि मैंने आपका एक गाना सुना था, मया के कुछ सॉन्ग मैंने सुना था, तो वो काफ़ी लोगों का उसमें मैंने प्यार देखा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट लोगों का आपको मिला, तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप वो सॉन्ग भी गाकर सुनाइए। आ संगे मया के मौसम आए, प्यार बरसाए बरबादर छाए, अंतरा मैं गुहार पारा बस तोरना के, दिन भर सपना देखा मैं हाँ बिहाव के, आ संगी माया के मौसम आए, प्यार बरसाए बरबादर छाए। जी बहुत अच्छा मैम, बहुत ही अच्छा लगा। अब मैम चाहूँगी कि आप लोकगीत भी गाते होंगे, मैं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोकगीत भी गाते होंगे, मैं चाहूँगी कि आप लोकगीत भी गाकर हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। सुन सुन मोर माया पीरा के संगवारी रे, आ जाने नाती आ जा रे, आ जाने नाती आ जा रे। जी बहुत ही अच्छी आवाज़ है कंचन जी, सच में वाकई में अगर मैं कहूँ तो, जैसे कि आपकी आवाज़ इतनी ज़बरदस्त है उसके हिसाब से आपकी पर्सनालिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। मैं कंचन जी, अब ये बताइए कि अगर आपको एक्टिंग के, क्या आप सिर्फ सिंगिंग के क्षेत्र में ही अपना कैरियर देखती हैं, या फिर अगर आपको एक्टिंग में जाने का मौका मिले तो क्या कुछ आप वो करेंगी? फिलहाल तो मैं अपना कैरियर सिंगिंग में ही देखती हूँ, क्योंकि शॉर्ट में बोलना चाहूँगी, अगर सब किस मतलब सब कुछ मैं ही कर लूँगी तो बाकी लोग जो है, जो टैलेंटेड लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट नहीं है एक्टिंग में अपना कैरियर बनाने का, मतलब अगर मौका मिले तो मैं नहीं करना चाहूँगी। फ्यूचर का नहीं बोल सकती मैं कि कब माइंड परिवर्तित हो जाए, कोई आइडिया नहीं है जी। तो कंचन जी, अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो जाती है, स्टूडियो का जो एक्सपीरियंस है वो आपका कैसा है? सभी स्टूडियो में अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, जैसे आर्टिस्ट पॉइंट है, वहाँ मेरा अलग एक्सपीरियंस होता है, वहाँ से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, कैसे करना है, शब्दों को कैसे रखना है, शब्दों को कितने प्यार से बोलना है, किस अंदाज से बोलना है। सिराज दादा एक एक मतलब छोटी छोटी सी बारीकियाँ वो सिखाते हैं, और सब जगह पे वैसे ही होता है लगभग, लेकिन मुझे आर्टिस्ट पॉइंट में बहुत अच्छा लगता है रिकॉर्डिंग करना।
कंचन जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि रोज़ाना आप स्टूडियो में जाती हैं तो अलग अलग लोगों से आप मिलती हैं, अलग अलग सिंगर्स लोगों से मिलती हैं, कैसा अनुभव रहा आपका? मैं रोज़ाना स्टूडियो तो नहीं जाती हूँ, लेकिन अगर जाती हूँ तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हर सिंगर की एक अपनी अलग गायकी होती है, एक अलग अंदाज़ होता है, तो वो अंदाज़ उनसे सीखने को मिलता है जो कि अच्छा लगता है मुझे। तो कंचन जी, आप काफ़ी जानी मानी सिंगर हैं और आपकी आवाज़ भी इतनी अच्छी है, तो सीधी सी बात है कि बहुत सारे ऑफर्स आपको आते होंगे सिंगिंग के लिए, तो जानना चाहूँगी कि आपको अब तक कहाँ, मतलब किन किन स्टूडियो से आपको गाने के लिए ऑफर आ चुके हैं। तो अब मैं कंचन जी ये जानना चाहूँगी कि ठंड का समय है और फिर काफ़ी ज़्यादा गले में खराश भी होती है इन दिनों में, तो मैं जानना चाहूँगी कि ठंड हो चाहे कोई भी मौसम हो, आप अपनी आवाज़ को कैसे मेंटेन करती है, क्योंकि आप पिछले 4 सालों से गाना गा रही हैं, तो जानना चाहूँगी आप अपने सुर को कैसे मेंटेन करती है। मैं खाने पीने में कोई मेंटेनेंस नहीं करती हूँ, मैं हालांकि ज़्यादा नहीं खाती लेकिन मेंटेन भी नहीं करती हूँ, जो भी है सब खाती हूँ, आइसक्रीम भी कभी कभी खा लेती हूँ, देखते हैं भैया देखते हैं तो मुझे डांटते हैं कि ये नहीं खाना, आवाज़ बैठ जाएगा, सर्दी हो जाएगी, तो उनके सामने नहीं खाऊँगी, कभी चुपके से अकेले में खा ली, कम खाती हूँ लेकिन खाती ज़रूर हूँ। कंचन जी, अब सारी बातों के बाद मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि इस वक्त जो आरजे न्यूज़ के दर्शक हैं उन लोगों से आप क्या कहना चाहती हैं, और सिंगिंग में जो अपना कैरियर देखते हैं, जिन जो बच्चे हैं बड़े हैं, उन लोगों से आप क्या कहना चाहती हैं, क्या टिप्स उनको देना चाहती हैं? टिप्स तो नहीं देना चाहूँगी क्योंकि मैं खुद उतनी बड़ी सिंगर नहीं हूँ कि मैं किसी को टिप दे सकूँ, बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर बच्चे में कुछ भी ज़रूरी नहीं है सिंगिंग के लिए, किसी भी फील्ड में अगर उनका रुझान दिखता है तो उसको पहचानें और उसी पे वर्क करें, क्योंकि बच्चे वो करते हैं जो उनको अच्छा लगता है, तो वो उसी में फोकस करेंगे तो उनका फ्यूचर ब्राइट होगा, मेरा ये मानना है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त हमारे बीच छत्तीसगढ़ से कंचन जोशी मौजूद थी, तो कंचन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आप सभी का धन्यवाद और स्पेशली आरती जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया, और मैं आशा करती हूँ आप सभी का प्यार फ्यूचर में भी मुझे ऐसा ही मिलता रहेगा, आपसे बार बार मुलाकात होती रहेगी नए प्रोजेक्ट को लेके या किसी भी सिलसिले से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी। तो दोस्तों, आपने देखा कि छत्तीसगढ़ की एक जानी मानी सिंगर जिन्होंने छत्तीसगढ़ी गानों में अपने कैरियर को बनाया है और छत्तीसगढ़ी गीतों को अपने सुरों से संवारा है, तो हमारे बीच कंचन जोशी मौजूद थी। तो दोस्तों, ऐसे ही और शख्सियत लोगों से, ऐसे ही महान कलाकारों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरजे न्यूज़। नमस्कार।